मिनी क्ले ब्रिज कंस्ट्रक्शन। जैसल नाम का एक गांव में राघवा नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता था। उसके बेटे का नाम विकी था और वो इंजीनियरिंग में पढ़ता था। एक दिन विकी कॉलेज जाते वक्त राघवा ने पूछा, क्या रे, एग्जाम अच्छे से हुआ है ना? ठीक है, एग्जाम होने के बाद मेरे कंपनी में आके अप्रेंटिस के जैसे ज्वाइन हो जाना। उसी वक्त विकी की माँ रितु वहाँ आकर बोली, क्या इतने बड़े कंपनी के मालिक होके आपके कंपनी में आफ्टर ऑल अप्रेंटिस में ज्वाइन होगा? मेरा बेटा आपको कैसा दिख रहा है जी? हेलो, इंजीनियर जैसे ही दिख रहा है। जितना महान होने से भी किसी ना किसी के पास सीखना तो पड़ेगा ना। फिर रितु, मेरा बेटा ऐसा काम करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी जी। मेरा बेटा तो डायरेक्ट इंजीनियर ही बनेगा बस। माँ, तुम उदास मत होना माँ, मैं भी तुम्हारे पसंद से डायरेक्ट इंजीनियर ही बनूंगा। हमारे कंपनी में नहीं तो दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो जाऊंगा। अरे ये सब क्या, तुझे डायरेक्ट इंजीनियर बनने का सपना है ना? तो तुझे एक टास्क देता हूँ। गांव के आखिरी रास्ते में एक घर है, उस जगह में हमने मिट्टी के खिलौने बनाए थे। ईश्वर को अच्छे से पता है, तुम दोनों मिलके वहाँ जाओ और वहाँ जाके तुम मिनी क्ले ब्रिज बनाकर दिखाओ। तुम सक्सेस हो गए तो तुम्हारे बारे में मैं सोचूंगा। पापा, आफ्टर ऑल आप मुझे एक मिनी क्ले ब्रिज बनाने के लिए बोल के मेरा अपमान कर रहे हो। ठीक है, आपके खुशी के लिए मैं वो क्ले ब्रिज बनाकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन मिट्टी का खिलौना बनाने वाले ईश्वर के साथ पिताजी के कहे हुए जगह को चला गया। जाके विकी ने ईश्वर से कहा, अरे ईश्वर, इधर एक अच्छा सा ब्रिज बनाओ, तुझे तो अच्छे से ब्रिज बनाना आता है ना? आफ्टर ऑल ये मिट्टी का ब्रिज मैं क्यों बनाऊंगा, मैं कुछ देर रिलैक्स करता हूँ। विकी रिलैक्स होते वक्त ईश्वर ने मिट्टी में एक मिनी क्ले ब्रिज बनाया। तभी विकी उठ के बोला, अरे वाह, मस्त बनाया है रे तूने, तू भी सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बन जा। चल घर चल, मैं मेरे पापा को लेकर आऊंगा, कल से मैं एक डायरेक्ट इंजीनियर हूँ। ऐसा कहकर चला गया। उधर जाने के बाद छोटू मोटू नाम के दो लिलीपुट आए। अरे इधर ये गधा कौन है, हमारे रास्ते के बीच में ब्रिज बनाया, उसको तोड़ के फेंक दूंगा। अरे भैया, इस छोटे से ब्रिज को तोड़ने के लिए दोनों की क्या जरूरत, मैं अकेला ही काफी हूँ। ऐसा बोल के धकेल दिया, वो ब्रिज टूट गया। कुछ समय बाद विकी, ईश्वर, राघवा उस ब्रिज के पास आए। वो टूटा हुआ ब्रिज देख के, यही है ना वो ब्रिज जो तुमने बनाया और इसे दिखाने के लिए तुम इतना महान बनते थे? सर, मैंने तो अच्छे से बनाया था लेकिन कोई जानबूझ के तोड़ दिया। तूने ब्रिज बनाया तो फिर इसने क्या बनाया? उस वक्त मोटू नाम का लिलीपुट आया और कहा, ये तो अच्छे से सो गया था। अरे छोटू से आदमी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा ब्रिज तोड़ा, तुझे मैं उठा के फेंक दूंगा। हेलो, तूने इनके रास्ते में ब्रिज बनाया तो वो तोड़ेंगे नहीं क्या? मुझे तेरा टैलेंट पता है, इसीलिए इधर बनाने के लिए भेजा था। एक इंजीनियर बनने के लिए तापी मिस्त्री जैसे काम करने के लिए मैंने नहीं कहा था, पास में बैठ के काम करना चाहिए था। बिना आयरन के ब्रिज कैसे बनाता? जब तुमने मिट्टी के खिलौने बनाने वाले से ब्रिज बनाने को कहा है, तभी से तू मेरे नजर में फेल हो गया था। तेरे से अच्छा तो वो लिलीपुट वाले ब्रिज बनाते हैं। पापा, मैं थोड़ी देर के लिए सो क्या गया था इसलिए इतना सुना रहे हो, ये सही नहीं है। मैं इतना पढ़ाई करके भी आप मुझे इन छोटे मोटे लोगों के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? दम है तो ब्रिज बनाने के लिए बोलिए, एक बार में तोड़ दूंगा। हेलो सर, वी आर आल्सो इंजीनियरिंग दिस लिलीपुट वर्ल्ड, खबरदार, आप और मैं क्ले ब्रिज बनाएंगे, कौन जीतेगा देखते हैं। अच्छा निर्णय है, दोनों में से कौन महान है पता चलेगा। फिर लिलीपुट्स और विकी ब्रिज बनाना शुरू किए और कुछ समय बाद दोनों क्ले ब्रिज बना दिए। फिर राघवा उनको देखकर कहा, दोनों का क्ले ब्रिज देखने के लिए अच्छा तो है लेकिन किसका ज्यादा मजबूत है देखते हैं। कहकर दोनों ब्रिज को मार के देखा, फिर विकी का ब्रिज तो ऐसे ही गिर गया। लेकिन लिलीपुट का ब्रिज बहुत मजबूत था। वेरी गुड लिलीपुट्स, ये मजबूत ब्रिज बनाने के लिए नहीं, ये तो तुमने शानदार इंजीनियरिंग वाला टैलेंट दिखाया है, मेरे बेटे को भी ऐसा ही टैलेंट सिखाओ। पापा, मैं इनसे क्यों सीखूंगा, मुझे आप अपमानित कर रहे हो। तुम्हें इतना फील होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तो छोटू मोटू के पिताजी से ही काम सीखा था, उसलिए यहाँ तुझे भेजा, समझ में आया? ये लोग जब तक तुम्हें इंजीनियरिंग सिखा नहीं देते तब तक तुम्हें मैं कंपनी में एंट्री नहीं दूंगा। ऐसा कहकर चला गया। उसके बाद बहुत सोच के विकी और लिलीपुट सब अच्छे दोस्त बन गए और विकी उनसे इंजीनियरिंग स्किल्स अच्छे से सीखने लगा। मैजिकल बैटरी वाटर पंप,
वो संबलपुर नाम का गांव था। वो बहुत ही सुनसान गांव था। खेत में पानी सरफरा करने के लिए वहां मौजूद पुराने डीजल पंप से ही पानी को सप्लाई करते थे। एक बार एक किसान अपने खेत को पानी देने के लिए डीजल पंप को चलाया। पंप में से पानी आने लगा। थोड़ी देर बाद पंप अचानक से रुक गया। ये क्या, पंप रुक गया है? शायद डीजल खत्म हो गया होगा, सोचकर पंप सेट को रिपेयर करने की कोशिश किया। बहुत कोशिश करने पर भी वो चालू नहीं हुआ। बाप रे, ये पंप सेट जमींदार जी का है, अगर ये खराब हुआ तो इसके पैसे मुझे ही देने होंगे, सोचकर पंप सेट को रिपेयर करने के लिए फिर से कोशिश किया, मगर तब भी वो रिपेयर नहीं हुआ। वो दूसरे किसानों से, रे पंप सेट खराब हो गया रे, कितना भी कोशिश करने के बाद भी वो चालू नहीं हो रहा है रे। अरे ये कोई नई बात नहीं है रे, ये पंप सेट महीने में एक बार तो भी खराब होता ही रहता है। पहले वो जमींदार को इस पंप सेट के किराए को कम करने के लिए बोलना होगा। हम वो पंप सेट को किराए के साथ साथ उसके रिपेयर की खर्चा को भी हम ही दे रहे हैं। एक नए मोटर पंप को खरीदने के लिए बोलना होगा, सोचकर सब लोग जमींदार के पास पहुँचे। किसान जमींदार से, श्रीमान आप एक नया पंप सेट खरीद कर दीजिए, हर महीने ये पंप सेट का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, हम खेत को समय पर पानी नहीं दे पा रहे। नया पंप सेट खरीदना है तो मामूली बात नहीं है रे, खर्चा बहुत होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अब से आप हर महीना 1,000 रुपए दीजिए, मैं ही नया पंप सेट खरीद कर दूंगा। ये अन्याय है, हमारे पास से ही पैसे लेकर हमें ही नए पंप दिलाओगे क्या, और उसका किराया भी हमें ही भरना होगा ना, ये तो बहुत अन्याय है जी। क्यों रे, न्याय क्या है और अन्याय क्या है ये तुम मुझे सिखाओगे? पहले वो पुराने पंप सेट के पैसे भरो, पूरे मिलाकर 50,000 हुए हैं, पैसे दो, कहकर गाली देने लगा। किसान अब कुछ नहीं कर पाए और वहाँ से चले गए। गांव में नवीन अपने पिताजी को उदास बैठे हुए देखकर, पिताजी क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? पिताजी तब जो हुआ वो सब बताया। ठीक है पिताजी, वो बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए, उसे कैसे हल करना है मुझे अच्छे से पता है, कहकर उस रात बहुत सोचकर एक बैटरी की मदद से एक छोटा सा वाटर पंप तैयार किया। वो पंप को एक साइकिल के पीछे फिक्स किया। अगले दिन खेत में वो बैटरी पंप को साइकिल के साथ अपने पिताजी के पास लाया। बैटरी पंप को देखकर पिताजी आश्चर्य हो गए। ये क्या है रे? ये एक इलेक्ट्रिकल बैटरी वाटर पंप है पिताजी, एक बार चार्ज किए तो बस 12 घंटे तक ये मोटर बिना रुके चलता ही रहेगा। अब से ये वाटर पंप को आप किसी भी खेत के पास ले जा सकते हैं, एक जगह पर रखने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ ये पंप को ले जा सकते हैं, सभी खेतों को ये पानी सप्लाई कर सकता है। शाबाश बेटा शाबाश, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, कहकर बेटे की तारीफ करने लगा। तब से सारे किसान वो बैटरी पंप को ही इस्तेमाल करने लगे। ये बात पता चलते ही जमींदार, अरे बाप रे, ये सब तो वो नवीन के बनाए हुए बैटरी पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, अब वो बैटरी पंप को कैसे चार्ज करेगा, मैं भी देखता हूँ, सोचकर रातों रात ट्रांसफार्मर के पास जाकर वहाँ के वायर्स को कट किया। अगले दिन सुबह बैटरी चार्ज हुआ कि नहीं ये देखने के लिए नवीन आया। ये क्या, बैटरी चार्ज नहीं हुए, वैसे भी 12 घंटे करंट रहता है ना, फिर भी करंट क्यों गया? सोचकर देखा तो ट्रांसफार्मर के पास करंट के वायर्स कट होकर दिखे। नवीन को सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, सोचकर सोलर वाटर पैनल्स को तैयार करके वो वाटर पंप को फिक्स किया। अब देखता हूँ, कल तक तो वो इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा था, अब ये सोलर है वो सूरज को कैसे रोकेगा, सोचकर सोलर वाटर पंप को तैयार करके रखा। ये बात पता चलते ही जमींदार, करंट को तो रोक पाया हूँ मगर सूरज को कैसे रोकूंगा, कुछ भी कहो पढ़े लिखे वालों की बात ही अलग है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, सोचकर तब से वो किसानों को तंग करना छोड़ दिया। सोलर वाटर पंप के द्वारा किसानों को बहुत लाभ मिला। तब से गांव में सारे किसान उस सोलर वाटर पंप का ही इस्तेमाल करने लगे।